कैसे हैं आप सब? तो भाई आज हम लोग दोबारा से बात करने जा रहे हैं सुपरस्टिशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई नंबर फर्स्ट पर आता है चप्पल। अगर चप्पल के ऊपर चप्पल रखी हुई हो तो इसका मतलब आप लोग कहीं जाने वाले हैं, सफर का सीन है। अब से मैं यही करूँगा कि चप्पल के ऊपर चप्पल रख दूंगा क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। और अगर किसी का नाम पेपर पे लिख दें और उसके ऊपर चप्पलें मारें तो वो बंदा दबाव बर्बाद हो जाता है। अब इस बारे में बस यही कहूँगा कि अगर उसी नाम का कोई दूसरा बंदा भी हुआ तो क्या वो भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इस सब सीन से उस बेचारे का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर नंबर टू पे नेल कटर। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके नीचे नेल कटर रख दें तो जो है वो जिन्नात से उसकी हिफाजत रहेगी। छुरी का भी यही सीन, अगर उसके बराबर में छुरी रख दें तो वो भी वही काम करेगी। फिर है अगर कोई पतीले से डायरेक्ट खाना खाए तो उसकी शादी में बारिश हो जाती है। अब मैं तो कहता हूँ कराची में वैसे इतनी गर्मी, अगर किसी की शादी करीब है तो उसे पतीले से डायरेक्ट खाना खिलवा दो ज़बरदस्ती, ताकि इसी बहाने बारिश तो कम से कम थोड़ी बहुत गर्मी तो कम होगी। फिर आती है अगर किसी की सीधी आंख फड़क रही है तो अच्छा सीन है, मतलब पैसे वैसे भी आ सकते हैं। और अगर किसी की उल्टी आंख फड़क रही है तो पैसे जा भी सकते हैं और नुकसान हो सकता है। फिर नंबर फाइव पे बड़ा पैर जाहिल का होता है। एक तो बड़े पैर वाले बेचारों के इतने मसले हैं, पसंद का जूता नहीं मिलता, बेड और सोफे से पैर लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऊपर से वो जाहिल भी हैं, तो ये तो ज्यादती है। नंबर लास्ट पे है कि बेलन पे खड़े होने से कद जल्दी लंबा होता है। कद लंबा हो या ना हो लेकिन अम्मा उसी बेलन से मार मार के पूरा कर देंगे, क्योंकि जाहिल आदमी इससे तो रोटियां बनाते हैं, तू अपना कद लंबा करने के चक्कर में इस पे खड़ा हुआ है। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और फेसबुक पर फॉलो कर दें। खैर अपना ख्याल रखें।